अकेले गई थी और अकेले आई भी घर। बहुत सैड स्टोरी है आज का। तो गाइस देख ही सकते हैं सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुआ ही नहीं। तो ये देखिए गाइस पुड़िया तो बन चुका है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में आरती की जेड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी सुबह का 8 बज रहा है और मैं अभी जस्ट पहुंची हूँ सेंटर से घर, और आज मैं अकेले गई थी क्योंकि अंजलि नहीं गई थी, उसका तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो कल जाएंगे अच्छे से, वो ठीक हो जाएगी। तो क्या है ना, अभी मैं नाश्ता बनाऊंगी, तो क्या बनाऊंगी नाश्ते में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो चलिए किचन रूम में चलते हैं और देखते हैं क्या है। मैंने सोचा है कि अभी मैं पूरी बनाऊंगी फटाफट से, चना उबालूंगी, उसके बाद उसका करी बनाऊंगी, जो कुछ पता है चलिए आपको मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर कितना सारा डब्बा रखा है, इनमें से चना कौन सा है, ये वाला शायद होगा चना। तो गाइस मैंने प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया है चना आलू को, तो अभी इसको बॉईल होने देते हैं, जल्दी से सीटी आ जाए, उस तब तक मैं अपना बाकी के काम निपटा लेती हूँ, ड्रेस चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। अभी चना भी बन चुका है, ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। ये देखिए यहाँ पर बॉयल हो रहा है चना, और इधर मैं तेल चढ़ाई हूँ, यहाँ पर आटा भी रेडी है, सिर्फ अभी पूड़ियाँ बनाना बाकी है। तो चलिए गाइस मैं फटाफट से बना लेती हूँ। तो ये देखिए गाइस पूड़ियाँ तो बन चुके हैं और पापा और भैया ने खा लिया है और अपने अपने काम में चले भी गए, तो अभी मैं और मम्मी बचे हैं, तो अभी जल्दी से हम भी निकाल लेते हैं अपने लिए, निकाल लेती हूँ उसके बाद फिर दिखाती हूँ गाइस। तो ये देखिए गाइस चना आलू का सब्जी मैंने निकाल लिया है और यहाँ पूड़ी है, तो मम्मी भी इधर बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, तो हम दोनों अपने अपने खा लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का काम करते हैं। The next day. Hey guys, good morning. तो अभी सुबह का 11:30 हो रहा है, कल को वीडियो को मैंने एंड नहीं किया था, आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी सुबह सुबह मैं यहाँ पे देखिए लाल भाजी मैंने साफ कर लिया है, धो भी लिया है, और अभी यहाँ पे डालने वाली हूँ, तो डाल देते हैं क्योंकि जो प्याज जो है भून चुका है ऑलरेडी। तो गाइस चावल भी मैंने पसार लिया है, तो अभी सिर्फ लाल भाजी बनना बाकी है, तो बन जाए उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊंगी, तब तक भैया और मम्मी भी आ जाएंगे डायलिसिस से। और गाइस आज मैं सुबह सुबह रेडी होकर सेंटर के लिए निकलने ही वाली थी कि बारिश हो गया बहुत जोरों से। आज अभी का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह ऐसा मौसम गया था पूरा ख़राब हो गया था, जिसके कारण मैं सेंटर भी नहीं जा पाई। तो गाइस देख ही सकते हैं सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है, ऐसा लग रहा है कि बारिश हुआ ही नहीं, और एक गेंदे का फूल इसका सौंदर्य को बढ़ा रहा है, देख ही सकते हैं। घर में हम फूल का पौधा हम बैकयार्ड में लगाते हैं, क्योंकि सामने में मुर्गी सब होने देते ही नहीं, इसीलिए हम, उसका कारण ये है कि हम सामने में हमने गेंदे का पौधा लगाया था, ढेर सारा लगाया था, लेकिन मुर्गी सब खा ले, पत्ता पत्ता सब कुछ तोड़ लिया, तो हुआ नहीं। तो बैकयार्ड में जितना सब लगाए तो सब कुछ तो हो ही चुका है, कितना प्यारे दिख रहे हैं ना, हम देख सकते हैं। हे गाइस खाना बना लिया है मैंने, और अभी मैं चलती हूँ नहाने के लिए। तो नहाने जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए गाइस मछली। तो गाइस 15 मिनट पहले मछली वाले अंकल आए थे, पापा ने बोल दिया था कि मछली दे के जाना हमारे घर पे, तो दे के चले गए, और मैंने इसको धोया, हल्दी नमक मिक्स कर दिया है, और आपके सामने मैं आपको अभी हाजिर कर दिया है, देख ही सकते हैं। तो चले गए, अभी नहा के आती हूँ फटाफट से, उसके बाद फिर इसको फ्राई करूँगी, तब तक भैया और मामी भी आ जाएंगे, पापा भी आ जाएंगे ड्यूटी से। तो चले गए, अभी मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हे गाइस गुड इवनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने मछली फ्राई कर लिया है, मैं दोपहर को मैंने नहीं किया क्योंकि सो गई थी खाना खाने के बाद, इसलिए फिर अभी शाम को भी मैंने इसको फ्राई किया, देख ही सकते हैं पूरा फ्राई कर लिया है। तो अभी शाम के खाने के लिए यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया है, ये देखिए अभी रोटी पकाऊंगी, तवा भी चढ़ा दिया है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।